हेलो बच्चों, कैसे हो? तो ये हमारा 80 डेज एक्शन प्लान का डे वन था। हमने ये क्विज आप लोगों के साथ में शेयर किया था, हमने क्लास की लिंक भी आप लोगों के साथ में शेयर करी थी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जिसको टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पता पड़ जाएगा। उस चैनल पर आपको डेली क्लास की लिंक शेयर करी जाती है, क्विज शेयर किया जाता है और इस तरीके का सॉल्यूशन वीडियो शेयर किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे क्विज के स्टेट्स देख लेते हैं, कितने लोगों ने क्विज दिया है और कितने लोग विनर्स कौन हैं। तो आज का क्विज जो है वो 74 लोगों ने दिया है, बहुत कम है यार। इन क्विजेस को आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो, टॉप किया है रेवती सतपुते, इनके 15 में से 15 क्वेश्चंस करेक्ट है। और यहाँ पर टाइम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लो दो बच्चों ने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट करें, तो जिसने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे उसकी रैंक ऊपर आएगी। सेकंड रैंक है यहाँ पर विशाल की, 14 क्वेश्चंस करेक्ट है। एंड थर्ड जो रैंक है वो है लिपक की, इनके भी 14 क्वेश्चंस करेक्ट है। 5 मिनट 9 सेकंड्स के अंदर इन्होंने क्वेश्चंस करे हैं। विशाल ने बहुत कम टाइम के अंदर करे हैं 14 क्वेश्चंस। तो पता नहीं, शायद हो सकता है कि लोग क्विज के अंदर थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़ लगाते हो, दोबारा क्विज अटेम्प्ट किया हो या कुछ इस तरीके का, ठीक है। बट टॉपर जो है रेवती, ये हमारे गाइडेड बैच के स्टूडेंट है, रेवती एंड लिपक। विशाल के बारे में मुझे पता नहीं है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट, अगर आप रोज इसी तरीके से टॉप करते रहोगे तो आपको फिजिक्स के अंदर, नीट के अंदर 160 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। इन क्विजेस की पावर इतनी ज्यादा है। अब अपन इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन बैक टू क्विज चलते हैं और मैं इस क्विज को स्टार्ट करता हूँ एंड वन बाय वन मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलो, तो ये हमारा, यस आई एम रेडी, पहला क्वेश्चन अपियर होने वाला है। ओके, वी आर रेडी। पहला क्वेश्चन है, एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 9, थोड़ा सा इसको अगर मैं बड़ा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो मैंने टेबल करवाई थी क्लास के अंदर, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, फिर 1/2 हो जाती है और फिर 0 हो जाती है। तो आप नोटिस कर रहे हो कॉस थीटा की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपको फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। फंक्शन दिया हुआ है −5 sin θ + 12 cos θ। तो मैंने बताया था कि अगर a sin θ + b cos θ इस तरीके का कोई फंक्शन हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, रूट कर दो किसका, कोफिशियंट्स के स्क्वायर का, a² + b²। तो यहां पे रूट ऑफ ए की जगह −5 है उसका स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, बी की जगह 12 है उसका स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, और ऑल आंसर आएगा आपका 13। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपियर होने वाला है, टाइम स्टार्ट हो चुका है बट क्वेश्चन नहीं आ रहा, नेट की स्पीड स्लो है, गरीबी देख रहे हो आप मेरी। दोबारा से ट्राई करते हैं, हाँ आ गया। इफ टेन थीटा, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमें दे रखा है tan θ = 1/√5। टेन थीटा हमें दे रखा है 1/√5, यानी कि अगर हम इसको ट्राइंगल के अंदर शो करें, ये थीटा है तो टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √5। तो हमें हाइपोटेनस पता पड़ जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, √5 का स्क्वायर करोगे 5, 1 का स्क्वायर करोगे 1, और ऑल हो जाएगा आपका √6। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कॉस थीटा कितना होगा। अब कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस कितना दिखाई दे रहा है √5, हाइपोटेनस √6। इसको √5/6 भी लिख सकते हो। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ tan 3π/4। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 3π/4, सबसे पहले इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करो, यानी कि आप 180/π से मल्टीप्लाई करो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 45 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। अब हमें tan 135 डिग्रीज की वैल्यू चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं tan 180 डिग्रीज माइनस 45 डिग्री। तो हमारा रूल जो हमने आपको सिखाया था उसके अकॉर्डिंग ये
टेन 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि माइनस वन बाय रूट टू इसका आंसर आ जाना चाहिए, माइनस वन बाय रूट टू, एक सेकेंड, थ्री पाई बाय फोर दे रखा है, माइनस सॉरी यार ये मैंने वैल्यू गलत लिख ली, टेन 45 की वैल्यू वन होती है, और इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, माइनस वन इसका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, देख रहे हो एग्जाम का प्रेशर तो मुझे भी फील करना पड़ता है यार। सेक 223, आपको पता है टाइम बाउंड मैनर के अंदर क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जब टाइम टिक कर रहा होता है ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, तो हमें निकालना है यहाँ पे सेक 223 डिग्री, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो 223 डिग्री ये है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 एंड कॉट ये तो होते हैं पॉजिटिव, एंड रेस्ट अदर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, रेस्ट अदर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमारा सेक भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेट की स्पीड स्लो, मेरी गरीबी आपको दिखाई दे रही है। व्हाट इज द एरिया ऑफ, है ना, इसमें ए आर ई ए लिखना भूल गया, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको, साइड की फॉर्म में होता है रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स जो भी उसकी साइड होगी उसका स्क्वायर, यानी कि रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर, यहाँ पे साइड कितनी दे रही है, सिक्स, उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर से नाइन टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। चलो सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन में द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू डिवाइडेड बाय, तो हमें टू डिवाइडेड बाय थ्री साइन थीटा माइनस फोर कॉस थीटा, अब ये मिनिमम कब होगा, कोई भी रेशियो मिनिमम कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर यानी कि थ्री साइन थीटा माइनस फोर कॉस थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, है ना, ये चीज ध्यान रख लेना, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर 9, फोर का स्क्वायर 16, यानी कि 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 5, तो पक्का इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2, डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू है 5, 2/5 आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, कॉस 333, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कॉस 330 डिग्री, अब 330 डिग्री जो है वो क्लियरली पता पड़ गया होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ, कन्वर्ट 75 डिग्री, तो डिग्रीज में हमें दे रखा है और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से कैंसिल आउट हो जाएगा चार बार, और नहीं 45 से नहीं 12 से कैंसिल आउट होगा, 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा 165 15 टाइम्स, उसके अलावा 15 से भी कैंसिल आउट हो सकता है यार, 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1212 टाइम्स, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 5π/12, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन, साइन थीटा हमें दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है हमें 3/5, तो ट्राइंगल बना लो, ये थीटा है, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 हो जाएगा, अब तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका, कॉट का मतलब होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 4/3, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और आगे चलते हैं, इलेवेंथ क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ कॉट 106 डिग्री, तो 106 डिग्री को अपन लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 53 डिग्री, है ना, और ये हो जाएगा 1/10 ऑफ ट्वाइस ऑफ 53 डिग्री, अब 10 ऑफ ट्वाइस ऑफ 53 डिग्री कितना होगा, 10 2a का फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 10 53 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 53 डिग्री, है ना, 10 2a इज इक्वल टू 210a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस, 10 53 होता है 4 डिवाइडेड बाय 3,
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 16 करेंगे तो कितना बचेगा, 9 माइनस 16 करेंगे तो बचेगा आपका 7, तो 9 चला जाएगा ऊपर, माइनस 7 आ जाएगा नीचे, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस 24 डिवाइडेड बाय 7, ये 10 की वैल्यू आई है, तो फिर कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय माइनस 24 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि नेगेटिव 7 डिवाइडेड बाय 24, ठंडा दिमाग है ना वो जरूरी है, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन, नेट चल जाओ, नेट चल जाओ, नेट चल जाओ, नेट क्यों नहीं चल रहा, चल गया, एक और बार ट्राई करते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो हमें 5 माइनस 4 कॉस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब आपका कॉस थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, कॉस थीटा क्या हो जाए आपका, मैक्सिमम हो जाए, तब जाके ये मिनिमम होगी। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, मैंने बताया था साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा लेस देन 1 होता है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 माइनस 4 टाइम्स 1, 5 माइनस 4 टाइम्स 1 यानी कि आ जाएगा आपका 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। 13th क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 45 प्लस 30 डिग्री, फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस 45 हो गया 1 बाय रूट 2, कॉस 30 हो गया रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 1 बाय रूट 2 टाइम्स 1 बाय 2, तो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ना बच्चों, आप सभी लोग ऑलरेडी मुझे पॉइंट आउट कर चुके हो ये वाली मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th, तो 14th क्वेश्चन होगा रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज टेन थीटा, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। एंड लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर हैविंग रेडियस, तो हमें रेडियस दे रखी है 1 मीटर और हमें हाइट दे रखी है 3 मीटर और हमें केवल और केवल कर्व्ड सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि होता है 2πRh। वैल्यूज रखो 2π, रेडियस हो गया 1 और h हो गया 3, यानी कि 6π m² आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो दिस वॉज टुडेज, तो पता है जिस बच्चे के 15 क्वेश्चन करेक्ट थे रेवती ने, तो रेवती ने शायद ऑल दो करेक्शन जो है वो ऑलरेडी कर लिया होगा, तो उसको पता था कि ऑल दो ऑप्शन ए करेक्ट है बट बी हमें यहाँ बी करेक्ट है बट ए लगाना है यहाँ पे, तो ये राज खुल गया था, इस वजह से 15 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, बाकी जिसके 14 क्वेश्चन करेक्ट हैं वही रियल में हमारा टॉपर होगा। चलो तो आई होप मजा आया होगा आपको डे 1 एक्शन प्लान को फॉलो करते हुए, इसी तरीके से लगे रहो, अगर डे बाय डे आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो पक्का फोड़ोगे नीट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।